आज हिसार में 80 गांवों के किसानों ने अनाज मंडी से लेकर लघु सचिवालय तक ट्रैक्टरों के माध्यम से 3 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि नहरों में टेल तक पानी दिया जाना चाहिए। किसानों की ये भी मांग है कि हफ्ते में उन्हें 2 बार खेतों में पानी दिया जाए। वहीं खेतों में सिंचाई के लिए हफ्ते में 2 बार पानी दिए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब 22 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आज शहर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला और हजारों की संख्या में अनाज मंडी पहुंचे। वहीं इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के चलते शहर में कई मार्ग बाधित रहे। वहीं इस दौरान यातायात पुलिस भी बेबस दिखाई दी। यातायात पुलिस ने दोपहर करीब 1 बजे के बाद रानी लक्ष्मीबाई चौक से बस स्टैंड को जाने वाले मार्ग पर ऑटो रिक्शा को बाधित कर दिया था। इसी तरह बस स्टैंड से लघु सचिवालय को जाने वाले ऑटो रिक्शा को भी बरवाला चुंगी चौक से ऑटो मार्केट फेज 3 से कैंप चौक की तरफ निकाला गया। तो वहीं कई लोगों को पैदल ही अपने स्थानों पर जाना पड़ा, लेकिन यातायात पुलिस कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाई। वहीं जल संघर्ष समिति के जिला प्रधान कुलडाराम नंबरदान ने कहा है कि किसानों की मांग है कि उन्हें टेलों तक पानी दिया जाए और हफ्ते में 2 बार खेतों में पानी दिया जाना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला प्रधान कुलडाराम नंबरदार ने क्या कहा। हमें धरना दिए हुए 22 दिन हो चुके, सरकार ने हमारी कोई भी बात अभी तक फाइनल नहीं की। हम इस छुटुटी ठंड में किसान बीमार हुए, लेकिन हम संयम के साथ अब भी संयम के साथ अपना प्रदर्शन किया है। बिल्कुल संयमित अनुशासित तरीके से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करे। 17 साल पुरानी समस्या हो चुकी है, ये आज इस पोजीशन में है। किसान के अपने बच्चों के लिए पेट भरने को अन्न नहीं है। आज की स्थिति देखते हुए सरकार बिल्कुल निठुर और बिल्कुल कान पर जू नहीं रेंग रही, जबकि हम 2 सप्ताह पानी की मांग 17 साल पहले से 2 सप्ताह मिलता था, उसके बाद आज टेलों पर भी पानी नहीं पहुंचता। किसान आज हम अपने दर्द से या कई हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों द्वारा अपनी नारी शक्ति के द्वारा आज यहाँ ये जताने आया है कि सरकार हमारी समस्या को शांतिपूर्ण है, हम किसान शांतिपूर्ण रहेंगे यदि समस्या हल करती है तो। अब संघर्ष समिति के द्वारा 5 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या सरकार 5 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान कर पाती है। सत्य खबर के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।